नमस्कार, आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फरवरी मंथ यानी फरवरी का महीना नेशनल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। कैंसर और हमारे जीन्स का आपस में क्या संबंध है, क्या कुछ हम एडवांसमेंट कर चुके हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर सारिका गुप्ता, जो हैं सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सारिका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो हैं प्रोफेसर इन HOD डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी रोबोटिक एंड रेनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रसाद VL साइंटिस्ट एंड CEO मेडजेनोम। वेलकम टू द शो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, जो हैं हेड ऑनको एंड हेमेटोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, एडिशनल प्रोफेसर ऑनको एंड पैलेटिव मेडिसिन एम्स से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सारिका से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर सारिका, जब हम गायनेकोलॉजी की बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी साथ जुड़ा हुआ है, और क्या क्या चीज़ें नई एडवांसमेंट आई है जो हमारे जो भारत के लोग हैं उनको पता ही नहीं कि अब हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। गायनेकोलॉजी कैंसर में तो प्रेसिजन मेडिसिन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और गायनी के कैंसर स्पेसिफिकली वही हैं कि गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर और अंडाशय का कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर भी कहें तो वुमेन कैंसर में ही है। और इसी में जेनेटिक टेस्टिंग का और उसके जेनेटिक टेस्टिंग के अनुसार ही दवाइयाँ देना और उसके अनुसार ही सर्जरी करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और अभी रिसेंटली जो यूट्रस के कैंसर हैं उसकी तो स्टेजिंग ही मॉलिकुलर स्टेजिंग चेंज हो गई है। डॉक्टर अनूप, अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें या प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो क्या क्या नई नई एडवांसमेंट आई है? बिल्कुल, जब से एक साल से जो कोविड महामारी देश में चल रही थी तो हमारे कई कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाए, और कई पेशेंट्स की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई है, और कई पेशेंट एडवांस स्टेज में चले गए हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने हमारे सेंटर को फिर खोल दिया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रोस्टेट कैंसर हो, किडनी कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, सभी कैंसर्स का ट्रीटमेंट हमने रीस्टार्ट किया है, और भारतवर्ष में ही हमारे पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे हम दवाइयों की बात करें, चाहे हम टेस्टिंग की बात करें, वो सब हमारे भारत में उपलब्ध हैं। तो हमारा सिर्फ ये निवेदन है दर्शकों से कि जो भी कैंसर पेशेंट हैं आगे बढ़कर अपना चेकअप कराएं और इलाज करवाएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामप्रसाद VL, जो कि साइंटिस्ट हैं और CEO हैं मेडजेनोम से। डॉक्टर, माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड कैंसर? द DNA दैट हैपन विल रिजल्ट इन रैप यू नो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, एंड दैट्स हाउ द कैंसर अराइजेस। दिस इज द फंडामेंटल बेसिस। नाउ हाउ एंड व्हाई दिस चेंजेस हैपन इन DNA, देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई इट हैपेंस। But fundamentally, it is the what we call a term called mutations. These mutations make the cell to proliferate uncontrollably, and it gives rise to the tumor. So there are various ways how you can identify these changes and how you can do some actionable management, or you can prevent these by identifying these DNA mutations. डॉक्टर भार्गव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं जब हम जेनेटिक टेस्टिंग की बात करते हैं? आज जहां से मैं ये बात कर रहा हूं गोरखपुर में, शायद गोपालगंज गोरखपुर में आज भी कैंसर को आपके पुराने जन्मों से जोड़ा जाता है, जबकि ये नहीं सोचा जाता कि जेनेटिक टेस्टिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर कैंसर का जिसको देती है, उत्पादन करती है या जिसका कारण है, वो हम नहीं जान पाते। और ब्लड कैंसर में जेनेटिक एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं ट्रीटमेंट। आपको मेरे को एक ही प्रकार की बीमारी हो, जिसे हम AML कहे, पर हमारे जीन्स इतने अलग अलग हो सकते हैं कि आपकी बीमारी सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो जाए, और मेरी बीमारी में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट या टारगेटेड मेडिकेशन लगे। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में राइट प्रोग्नोसिस, उसका आउटकम क्या होगा, उसके लिए हम कितनी ज्यादा दवाई दे सकते हैं, और क्या हम कोई टारगेटेबल दवाई दे सकते हैं जिसके माध्यम से इंसान को बचा पाए। तो ये जेनेटिक एप्लीकेशन आज की तारीख में ब्लड कैंसर में बहुत अहम योगदान दे रही है। इसी के मध्य चलते हुए हम इंडिविजुअलाइज कर पा रहे हैं थेरेपी को, कि कौन सी दवाई किस आदमी को लगेगी। अगर 100 करोड़ का एक ही बीमारी है, पर हो सकता है सबकी दवाइयां अलग अलग हो, इसलिए
ही आजकल जेनेटिक टेस्टिंग देश में बहुत प्रचलित है, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो गई है। जब ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो अमेरिका भेजना पड़ता था आज से पहले 1,00,000 रुपए में, अब उसकी कीमत 10,000-12,000 रुपए देश में हो चुकी है, जिससे कैंसर के मरीज ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। डॉक्टर राकेश, आप पैलेटिव से हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि पेन मैनेजमेंट की जब बात होती है तो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है? आपका काफी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आज के कंटेक्स्ट में। जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि फॉर मेनी रीजंस पेशेंट व्हेन दे रीच टू अस दे कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली, मे बी कि कैंसर लोकली एक्सटेंड हो गया या मेटास्टेटिक हो गया, ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। दो पर्सनलाइज मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन का कुछ रोल है, उसमें जेनेटिक प्रोफाइलिंग करके कुछ मैनेजमेंट दिया जा सकता है। बट साइमल्टेनियसली जब हम उनको कुछ भी कीमोथेरेपी या सर्जरी का प्लान करते हैं तो उनका एक जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या तो उनका फिजिकल स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। काफ़ी टाइम पेन की वजह से या बाकी सिम्टम्स की वजह से पेशेंट का इंटेक कम हो जाता है और पेशेंट ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता तो वो सर्जरी करने लायक या कीमोथेरेपी को टॉलरेट करने लायक स्थिति में नहीं रहता। यहाँ पर हमारा पैलेटिव मेडिसिन का रोल रहता है, पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी करते हैं so that he can take up the whole cancer management in a totality. So this is something on holistic care, patient-centered care. जो हम प्रिसीजन मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसको हम पैलेटिव मेडिसिन की लैंग्वेज में हम पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच कर देते हैं। ओके, वंस प्रोवाइड देम अ गुड पैलिएशन, गुड सिम्टम मैनेजमेंट, देन वी कैन थिंक ऑफ पॉसिबली वेदर पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑर नॉट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कोविड, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ पेशेंट्स प्रोबेबली सम ऑफ द पेशेंट मे हैव रीच्ड एन एडवांस्ड स्टेज एंड देन कम्स पैलिएशन केयर, ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गिवन, देन वी से the usual terminology which patients sometimes use ki ab aapka kuch nahi kiya ja sakta, aapka cancer phail gaya, ghar pe rahiye. So ye terminology hai, this is a death sentence for patient. Now in palliation we say we still have something to offer to you to make your life comfortable, and that good quality of life can be easily done by various modalities that we have, and we use a combination of management. It starts from physical management, psychosocial support, psychological counseling and spiritual. So this holistic care improves the quality of life of patient with cancer. डॉक्टर सारिका, रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे कि रोबोटिक सर्जरी असल में है क्या, क्या रोबोट करता है या कंप्यूटराइज्ड होती है, कितना प्रिसीजन होता है, ये एक्सप्लेन करके बताएं कि जो महिलाएं आपके पास आती हैं और जब आप उन्हें कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी होगी, प्रिसाइज होगी, वो क्या होता है? कुछ साल पहले तक लैप्रोस्कोपी को ही मिनिमल इन्वेजिव माना जाता था, मतलब की होल छोटे छोटे 5 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक के छोटे होल्स करके ही अंदर पेट की ऑपरेशन कर दिया जाता था जी। पर उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि कुछ एडवांस सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से और प्रिसाइज तरीके से नहीं हो पाती हैं, और इसीलिए रोबोट आया। उसमें क्या है कि कंप्यूटर हमारा जो एक्शन होता है उसको ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रूमेंट पे और उससे काफ़ी प्रिसाइज हो जाती है मूवमेंट। करते तो इसमें डॉक्टर ही है सर्जरी, पर ये जो इंटरफेस है कि डॉक्टर के मूवमेंट को चेंज करना इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो एक कंप्यूटर कंसोल करता है, और इससे सर्जरी जो सर्जन कर रहा है उसको 3D व्यू मिलता है। उसे देखने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पेट खुला हुआ है, और सर्जरी के मूवमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हम हाथों से ही सर्जरी कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी प्रिसाइज सर्जरी हो सकती है और बहुत फास्ट सर्जरी हो सकती है। तो यही फायदा है रोबोटिक सर्जरी करने का। डॉक्टर अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कैंसर और जीन्स की बात कर रहे हैं तो क्या ताल्लुकात है कि अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो, जैसे मान लीजिए फादर को हुआ है, तो क्या बेटे को भी होने के चांसेस हैं, तो ये कितना इत्तेफाक रखता है? बिल्कुल, प्रोस्टेट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर किसी के फैमिली में पैटर्नल साइड में या ब्रदर को या फादर को कैंसर हुआ है प्रोस्टेट का, तो उसके कैंसर होने के चांसेस 9 times ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जेनेटिक टेस्टिंग की बात आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें हम जेनेटिक टेस्टिंग करके पहले ही बता सकते हैं कि इसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं पहले कि डायग्नोसिस करने में, जिनका PSA 4-10 के बीच में ग्रे जोन आता है, क्या हम उनको बायोप्सी करें कि ना करें, क्योंकि बायोप्सी करना भी आजकल कई लोग डरते हैं कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी है, तो हम टेस्टिंग करा के बता सकते हैं कि आपको रिस्क है कैंसर होने का, आप टेस्टिंग कराइए, तो फिर हम बायोप्सी करते हैं। उसके बाद बायोप्सी होने के बाद भी क्या उसको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, या सिर्फ एक्टिव सर्वेलेंस में जा सकता है पेशेंट, वो भी हम टेस्टिंग के माध्यम से बता सकते हैं। और तीसरा होता है जब सर्जरी कर दिया हमने,
उसके बाद क्या उसको फर्दर कोई ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसे कि रेडिएशन या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग करके। सो आप देख सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम डायग्नोसिस टिल ट्रीटमेंट टिल फॉलोअप, सब स्टेज पर ये हमारी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, आपने बायोप्सी की बात की, तो एक ये भी अवधारणा जुड़ी हुई है कि बायोप्सी कराएंगे या FNAC कराएंगे, फाइन नीडल टेस्ट कराएंगे, तो कैंसर फैल जाएगा, तो ये कितनी सही बात है? आधे लोग इसीलिए नहीं कराते हैं क्या? बिल्कुल, लोगों में एक डाउट है कि अगर हमने उसमें नीडल पोक किया तो सारे शरीर में फैल जाएगा। इस तरह की मिथ या मिसकंसेप्शन को हम दूर करना चाहेंगे, जो दर्शक इसको सुन रहे हैं वो प्लीज़ इसको पूरे ध्यान से सुनिए। बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम बायोप्सी करके टुकड़ा नहीं निकालेंगे और उसको हिस्टोपैथोलॉजी में नहीं देखेंगे, हम कैसे बताएंगे कैंसर है कि नहीं? और जब तक हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस नहीं है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि इसको कैंसर माना गया है, बाद में कैंसर नहीं निकला है और उसको ओवर डायग्नोसिस ओवर ट्रीटमेंट के सारे साइड इफेक्ट्स हो गए, तो इसलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल कोई डाउट ना रखें, डॉक्टर अगर सलाह दे रहे हैं बायोप्सी आगे कराइए और अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, यानी कि बायोप्सी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर रामप्रसाद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामप्रसाद, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इन सॉलिड ट्यूमर्स इन एंड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज? लास्ट एज आई मेंशनड 3 to 4 years रैपिड एडवांसेस हैव हैपेंड इन दिस फील्ड। टुडे वी कॉल अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो हम DNA का जो एक एक बेस है, एक एक डेटा पॉइंट है, वो सीक्वेंस कर सकते हैं। एंड व्हेन यू सीक्वेंस इट, यू कैन अंडरस्टैंड वेदर एनी चेंजेस हैव हैपेंड इन द पेशेंट और एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ कैंसर। सो ये दो तरह के होते हैं। वन, वी कैन सीक्वेंस एन इंडिविजुअल्स ब्लड सैंपल एंड अंडरस्टैंड वेदर देर आर एनी DNA चेंजेस दैट आर इनहेरिटेड, मतलब इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशंस एंड इंडिविजुअल हैज एनी प्रीडिस्पोजिशन टू कैंसर। And second thing is some of the about 60 to 70% of the cancers are not inherited, but the mutations happen within one particular tumor or tissue, like lung tissue ho sakta hai, ovarian tissue ho sakta hai, breast tissue ho sakta hai. We call them as somatic mutations. वो tumor ko bhi sequence kar sakte hai. And once we sequence the tumor, we identify mutations. Management, targeted therapies, or whether you what kind of a chemotherapy you need to give, what kind of dosages you can give, need to give, and any other surgical management kar sakte hain. There are several other options, new options which are coming up. So this sequencing of DNA of the tumors as well as the blood samples to understand whether individual is at high risk to get a cancer has revolutionized the practice now. I think it is becoming more and more common as more treatments are coming up and more awareness is catching up. Dr. Rakesh, जब हम बात कर रहे हैं palliative की, तो वहाँ पर आपके सामने क्या-क्या challenges आते हैं? आप किस तरह से counsel करते हैं और क्या-क्या challenge आपको लगता है कि बहुत जरूरी है discuss किए जाएं? Cancer की जो journey है, patient की journey है in the cancer life, at each stage, patients would have something different dilemmas. Like for example, first time when the oncologist disclose the cancer, the acceptability in the family will be much low. वो लोग मानेंगे नहीं कि कैंसर है, या वो अटैचमेंट फैमिली में इतना होता है कि वो बोलेंगे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को मत बताइए, मेरी वाइफ को मत बताइए, उसको कैंसर है, मैं मैनेज करता रहूंगा। यहाँ पर पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए। और जो अभी ये डिल्यूजन अभी जो जैसे आ जाता है बीच में, जिस तरह की कोल्यूजन होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में और ऑन्कोलॉजिस्ट के बीच में, यहाँ पैलेटिव मेडिसिन के बहुत रोल रहता है, क्योंकि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ फैमिली काउंसलिंग दैट द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, अ टाइमली ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड मैनी कैंसर्स आर क्योरेबल। नाउ यहाँ पर हमें काउंसलिंग भी आ जाती है। अगर हम बोलते हैं ना कि उस सेंस में अगर हम लें, पॉजिटिव सेंस में लें, कैंसर इज क्योरेबल, लेकिन अगर हम दूसरी डिजीज लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दीज डिजीज आर नेवर क्योरेबल। So in that sense, a timely diagnosis, a timely treatment, we can cure the cancer with good life. So these type of counselings are important. The second aspect is, which I put in the word as financial toxicity. हम यहाँ बात कर रहे हैं genetic profiling की, chemotherapy, targeted therapy. Over the years, these therapies cost has come down to a large extent. Government sector is providing this treatment to the large extent to these patients. But sometime it happens, a patient from a poor background who does not have insurance schemes or a financial support from something, they become financial toxic because they have to afford all those costly treatments. Right. So, taraf to hum unka cancer treat karna chahte hain,
बट उस गरीबी की हालत में उनको जो टॉक्सिसिटी, जो परिवार को टॉक्सिसिटी हो जाती है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, उसका भी हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक सभी ऑन्कोलॉजिस्ट को समझना बहुत जरूरी है, चाहे हम वो रोबोटिक सर्जरीज करें किसी हॉस्पिटल में जिसका कॉस्ट फैक्टर थाउजेंड्स और लैक्स में रहता है, चाहे हम टारगेटेड थेरेपी की बात करें, तो वो एक कंसिडरेशन रहना चाहिए। एंड दिस इज आई विल रिक्वेस्ट ऑल द ऑन्कोलॉजिस्ट that the palliative medicine should be an integral part of the oncology management of all patients. And this is a big issue in India, though the Ayushman Bharat and the other government schemes and the BPL are working, but are they being benefited throughout the nation? That is also one aspect. The other aspect is the impact on the caretakers. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम patient को ठीक करना चाहते हैं, patient की surgery करना चाहते हैं, patient को chemotherapy देना चाहते हैं, हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं उसमें हम चाहते हैं, ये दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं कि इंडिया इज अ सोशल फैमिली, इंडिया के अंदर एक सोशल कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस फैमिली को हमें साथ लेके चलना चाहिए। और उसका एक जो कंबाइंड डिसीजन है, दो हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं मेडिकल साइंस में, फॉर पेशेंट वी शुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स टू अदर्स, बट स्टिल वी हैव टू हैव अ मेडिकल पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच विद फैमिली इंटीग्रेशन फॉर अ गुड आउटकम ऑफ दीज पेशेंट्स। डॉक्टर राहुल वांट्स टू से समथिंग। जी डॉक्टर राहुल, प्रिसीजन मेडिसिन से ये पता चल सकता है कि कोई सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक होगा या कीमोथेरेपी प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। एएमएल में किसी को 17p अबनॉर्मलिटी है तो मुझे मालूम है कि मैं कीमोथेरेपी देके इसको बचा नहीं सकता। तो अगर कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक नहीं ले जा सकता तो उसका 3-4 लाख रुपए खर्च कराना भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर रामप्रसाद से। डॉक्टर रामप्रसाद, व्हाट आर द एडवांसमेंट इन टेस्टिंग एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट इन कैंसर? आई कैन गिव टू एग्जांपल्स इन सॉलिड ट्यूमर्स और व्हिच आर वेरी पॉपुलर नाउ। वन इज लंग कैंसर, स्पेसिफिकली वी कॉल इट एज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। दिस कैंसर, दिस मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स अराइज बिकॉज ऑफ सम चेंजेस और म्यूटेशंस दैट हैपन इन द लंग टिश्यू। सो उसके लिए अभी वॉट एवर ट्रीटमेंट्स विच आर हैपनिंग आर मोस्ट ऑफ देम आर टेकन बेस्ड ऑन द आफ्टर टेस्टिंग और आफ्टर डूइंग द जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ 4 or 5 जीन्स। जो कॉमन जीन्स है वो बोलते हैं EGFR जीन और ALK जीन और ROS जीन और RET जीन बोल के। वो सब टेस्ट करने के बाद अगर कुछ म्यूटेशंस है तो, इफ देर आर एनी स्पेसिफिक म्यूटेशंस इन दीज जीन्स, डिपेंडिंग ऑन what kind of mutation is there in which gene, there is a specific targeted therapy available. So this is one example, and this has completely changed, we can say a paradigm shift in how treatment towards non-small cell lung cancer has happened in the last 7 to 8 years, whether it is survival of the patient on a relatively longer term, or if it is progression-free survival, or it is quality of life. You compare, a lot of improvements have happened, significant improvements, because of targeted therapies based on genetic testing. The second thing is, second cancer, which is to some extent, if not as much as lung cancer, is breast and ovarian. Jo targeted therapy aaya hai, we call it as PARP inhibitors, a couple of them, even to some extent to identify individuals who can take chemotherapy very well, or who can be selected for chemotherapy. There are certain genetic tests that we do, for example, BRCA1, BRCA1, BRCA2 genes bolte hai, HRR genes bolte hai, HRD score bolte hai. These are the tests, these are the genetic tests. Once you do it, you can select about, or you can identify about 45 to 50% of the patients who have breast and ovarian cancers. In fact, prostate cancer also is getting into the ambit of that kind of target therapies, where you can select individuals who have mutations in this. And we call them as HR deficient, terminology full form is homologous recombination deficient tumors. Uske liye, when you give PARP inhibitor therapy or PARP inhibitors, there are certain drugs. The improvements or the kind of a treatment impact is much far better compared to the conventional treatments or along with the conventional treatments. So these are two examples, both in lung cancer as well as breast ovarian cancer, where when you do a genetic testing, it could be a simple testing or it could be a very comprehensive testing where you do identify 3 or 4 different parameters that quantify what kind of DNA mutations are there in these tumors. Based on that, you personalize or precisely you give the treatment to the patients. Dr. Sarika,
मुझे ये जानना है कि जब हम बात कर रहे हैं अब अगर रोबोटिक सर्जरी आप करते हैं, बहुत सारे केसेस में तो यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, और जैसे डॉक्टर राकेश कह रहे थे कि वो कहते हैं कि भाई मेरे परिवार वालों को मत बताना, तो ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल होता है काउंसिल करना, क्योंकि उस स्टेज पर वो होते हैं कि आप क्योर भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं बताएंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है कैंसर से लास्ट स्टेज में, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है कि आप सिस्ट को रिमूव कर सकते हैं, यूट्रस रिमूव कर सकते हैं लेकिन कैंसर भी साथ के साथ चला जाएगा? देखिए, अर्ली स्टेजेस में हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो कई बार यूट्रस में भी अगर यूट्रस का अर्ली स्टेज का 1A कैंसर है और मसल में नहीं गया है तो उसमें हम यूट्रस को बचा सकते हैं और बिना सर्जरी के दवाइयों से ये हम ट्रीट करते हैं। अगर ओवरी का भी 1A का कैंसर है, सिर्फ एक ओवरी में है, कैप्सूल रप्चर नहीं हुआ है, तो हम उसके अंदर उस ओवरी को निकाल दें और दूसरी ओवरी को रहने दें तो भी हो जाता है हमारा काम। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि कम उम्र में ही होते हैं और उनका सिर्फ एक ओवरी निकालने से भी इलाज पूरा हो जाता है। तो एक तो किस तरीके का कैंसर है इससे है, और आजकल कुछ जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं उसमें हमें कुछ ऐसे जीन होते हैं कि अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो कैंसर तो होता है पर वो बहुत दिनों बाद आगे बढ़ता है, तो ऐसे केस में हम उसके अंदर उनको कंजर्वेशन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद आप अपना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, हम थोड़े दिन वेट कर सकते हैं। तो ये प्रिसीजन मेडिसिन इसी कहा जाता है कि अगर किस तरीके का कैंसर है और किस स्टेज पे कैंसर है उस हिसाब से आप अपनी सर्जरी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपने दूसरा पूछा था कि वो पेशेंट को बताना नहीं चाहते हैं, तो ये फैमिली मेंबर्स को नहीं बताना चाहते हैं, वो तो आसान है क्योंकि पेशेंट अपने आप जानता है और अपने लिए डिसीजन ले सकता है। ये आसान है, ये दो सिचुएशन है कि पेशेंट को पता है, फैमिली मेंबर्स को नहीं बताना चाहते, या फैमिली मेंबर्स को पता है, पेशेंट को नहीं बताना चाहते और सीधा ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। नौबत तब आती है जब सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी तक बात पहुंचती है। हाँ जी, तो जैसे समझिए मैं इसको इसमें लेती हूँ कि अगर किसी पेशेंट का हमने यूट्रस या ओवरी निकाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप नहीं बताइएगा किसी को, और ये तो आसान है हमारे लिए क्योंकि पेशेंट को पता है हम क्या सर्जरी कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, और उसके बाद में ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपने पार्टनर को आगे जो भी वुड बी हस्बैंड है या जो भी है उसको बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। हम तो यही बताते हैं कि आपको बताना चाहिए उसे, वो उनके ऊपर है। अब ये कि उनके फैमिली मेंबर करते हैं आप निकाल लीजिए जो भी है, पर उसको बताना नहीं है कि कैंसर है या नहीं है, ये बहुत दुविधा बड़ा काम है क्योंकि पेशेंट की कंसेंट तो लेनी ही होती है। हम उसका कोई भी पार्ट निकाल रहे हैं या कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो एक ना एक टाइम तो बताना पड़ता है, हो सकता है डायग्नोसिस के दौरान हम उसे ना बताएं पर फाइनली कीमोथेरेपी से पहले या फाइनली मुझे लगता है कि सर्जरी के बाद एक ना एक टाइम हमें उनसे डिस्कशन करना पड़ता है। हम उसको उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से कम या ज़्यादा बता सकते हैं पर उनको ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और कैसे पॉजिटिवली रह के भी बताया जा सकता है, तो इसकी पूरी काउंसलिंग होती है और वो करनी पड़ती है। डॉक्टर अनूप, क्या कुछ ऐसी एडवांसमेंट भी आई है कि सर्जरी कर रहे हैं और कीमोथेरेपी मेडिसिन भी साथ साथ दी जा रही है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, आजकल ऐसे एडवांस कैंसर्स हैं हमारे, सपोज ब्लैडर कैंसर्स हैं और किडनी कैंसर्स हैं, अगर हम बहुत एडवांस स्टेज में सर्जरी कर रहे हैं हमें लगता है कि हम ट्यूमर निकाल तो लेंगे, लेकिन कुछ हमारे जैसे उसके RO रिसेक्शन होता है और R1 रिसेक्शन होता है। RO का मतलब होता है कि हम पूरा ट्यूमर बाहर निकाल के ले आए, अंदर कुछ नहीं रह गया है, बट कुछ पेशेंट्स में क्या होता है ट्यूमर तो हमने निकाल लिया, कुछ पोर्शन अंदर रह जाता है, उसको निकालना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे केसेस में आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इसको हम हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी के माध्यम से अंदर उस दवाई को अंदर देते हैं, लगाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर और प्रेशर से अंदर जाती है, उसको रखते हैं कुछ टाइम तक, सारे कैंसर सेल्स को मार देती है। तो ये एक एडवांसमेंट है जो हम हाईपैक बोल सकते हैं, एक नया उसका नाम है जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम कैंसर ड्रग्स जो हैं IV से भी दे सकते हैं, नॉट ओनली लोकल, हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव में IV जो है इंट्रावीनस भी दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सारा कैंसर नहीं निकला है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि कैंसर जितना हो सकता है, चाहे सर्जरी से निकालें, चाहे हम कीमोथेरेपी से इसको ठीक करें, लेकिन कैंसर सेल जितने जितने हम डैमेज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। जी, तो यानी कि जो बच्चे हैं खासतौर पे उनको IV से दी जाती है ताकि जो स्टेज है उसमें उनको कीमोथेरेपी का झेलना भी ना पड़े। देखिए, जो पेशेंट्स जिनका
हर एक कैंसर्स में हाईपैक थेरेपी नहीं दे सकते हैं, कुछ ब्लड कैंसर कुछ ही कैंसर्स हैं, जैसे कि इंट्राएब्डोमिनल ऑर्गन्स के जो कैंसर्स होते हैं, कॉलोनिक कैंसर हो सकता है, लीवर हो सकता है, हमारे ब्लैडर कैंसर में भी हम दे सकते हैं, किडनी कैंसर में ऐसी अभी कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन प्रोस्टेट में भी हम उसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल मोड में है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको हम फॉलो करते हैं और पेशेंट को फायदा हो जाता है उससे। डॉक्टर रागेश, कीमोथेरेपी की हमने बात की और आपने कहा था कि कैंसर क्योरेबल है बल्कि बाकी बीमारियां क्योरेबल नहीं है, तो डरे नहीं, अगर परिवार में बच्चे को भी हो गया है और वो आराम से अपनी लाइफ जी सकता है एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो ये जो पेन मैनेजमेंट की बात है, कीमोथेरेपी की हमने बात की, इस पर थोड़ा सा बताएं कि वो जो लम्हा होता है आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब बच्चा या परिवार का कोई भी सदस्य उसको झेल रहा होता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और आई थिंक ये एक रीजन है, डर और पेन, इसकी वजह से काफी पेशेंट्स बीच में लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं, अपना पूरा ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो आई थिंक यहाँ एक हमें एक रीअश्योरेंस देना चाहिए कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इतनी टेक्निक्स हैं कि अगर कीमोथेरेपी देंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा उसका, उसको दर्द होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, कीमोथेरेपी की तरह छाले पड़ सकते हैं मुंह के अंदर। सर्जरी का मेजर सर्जरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लैडर सर्जरी है, गायनी सर्जरी है, एक मेजर पेन होता है और पेन की वजह से कैंसर फैलने का खतरा भी रहता है। तो हमारे पास एनेस्थीसिया के अंदर और पैलेटिव मेडिसिन के अंदर बहुत मोडालिटीज हैं, तो कृपया करके डरे नहीं, आप अपने जो भी जिस हॉस्पिटल में है पेन पैलेटिव मेडिसिन के माध्यम से आप ट्रीटमेंट करिए। जब उनको म्यूकोसाइटिस होता है, वी आर हैविंग गुड मेडिसिन एंड मोस्ट ऑफ अ पेशेंट, इफ आई से एम्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पेन फ्री, एम्स कैंसर सेंटर इज एब्सोल्युटली पेन फ्री, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। या so this pain-free policy is applicable and we provide absolute pain relief to all our patients, chahe wo chemotherapy de rahe hain. agar aapne pediatric cancer ki baat kari, kai bar aise situation aati hai ki jab aap chemotherapy naso se dete hain to unki vein nahi milti hai, vein kharab ho jati hai, to uska hamare paas bhi ek madhyam hai ki hum unko acche se behosh karke pain karke unko ek chhota sa catheter dalte hain jisse unko chemotherapy regular basis pe milti rehti hai. और जैसे आप पूछ रहे थे अभी कि जब जो हमारी ऑन्कोलॉजी के अंदर मैनेजमेंट मोडालिटीज है वो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है, डिपेंडिंग किस तरह का कैंसर है, जैसे इसोफेगस का कैंसर होता है तो उसमें न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी देके फिर हम कैंसर सर्जरी करते हैं, वो हमारा इमेजिंग के हिसाब से है कि कैंसर की उस वक्त स्थिति क्या है, तो उस दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें ठीक करना है। नंबर टू, जब आप मेजर सर्जरीज करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ब्लडर का कैंसर है वो एक बड़ी सर्जरी रहती है, ओवरी का कैंसर है सीआरएस हाईपैक जो करते हैं मेजर सर्जरी रहती है, अगर यहाँ मरीज की न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छी नहीं होगी बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ म्यूकोसाइटिस, वो कीमोथेरेपी नहीं झेल पाएगा। और काफी टाइम ऐसा होता है कि हम उसको एक लैंग्वेज यूज करते हैं, फिजिकल स्टेटस और फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी डेफर करनी पड़ती है। तो यहाँ अगर हम सिम्टम कंट्रोल करें और न्यूट्रिशन साथ में दें तो पेशेंट का ओवरऑल आउटकम, टॉलरेंस टू थेरेपी बिकम्स मच बेटर, पेशेंट आउटकम इज गुड एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो आई थिंक दिस मल्टी मॉडल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्जरी एक चीज है, कीमोथेरेपी एक चीज है, रेडियोथेरेपी एक चीज है, बट कैंसर के लिए हमारा पूरा टीम काम करता है। उसमें आपके पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे, स्पेशलाइज्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं, साथ में डाइटिशियन होंगी, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे तो वहां पर फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि अगर आपने किसी का मेजर ब्रेस्ट सर्जरी किया तो हाथ में सूजन आ जाएगी, कैंसर तो उसका ठीक हो गया लेकिन सूजन की वजह से, उस हाथ में सूजन की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटेरियरेट हो जाएगी, फंक्शनल लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें वहां पर सर्जरी के बाद, ट्यूमर निकालने के बाद भी जो लिमिटेशंस आया उसको भी ठीक करना है, एंड दैट्स व्हाई दिस पेशेंट रिक्वायर्स फॉलोअप। एंड आई वांट टू रीअश्योर, वी हैव गुड टेक्निकलिटीज, गुड टेक्निक्स आर अवेलेबल, फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो सभी दर्शक उसका पूरा, अपने जो भी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे पूछिए कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, हमारे पास क्या ऑप्शन है और उसका फायदा जरूर लीजिए। डॉक्टर राम प्रसाद, How genetic testing is playing a crucial role in cancer diagnostic ecosystem? So number one point is there are two types of applications here. Number one is to identify individuals who are predisposed. The changes in the DNA which cause cancer are present in every cell of their body. So they inherit from their previous generation and they transmit that mutations to the next generation. So you can
identify these individuals much before they get cancer. For example, in breast ovarian cancer, if either the mother or a sister had a breast or ovarian cancer and we do a genetic testing on them, we identify certain mutations in them. Then we can test, or we call it as a cascade screening, in first degree relatives. It could be a sister or it could be a daughter, anyone, and check whether they also have the same mutation. If they have the same mutation, they have about 25% chance that, you know, they get breast or ovarian cancer also. So you can tell this a few years before, depending upon when you are testing. We have several cases where we identified early onset breast cancer cases at the age of 45-47, and we got their first degree relatives who are 37-36 and all. We can identify them. And of course, the management, how once you identify the mutation, there are ways, different ways how you manage it. If it's a very bad, very familiar, lethal mutation, then there are radical methods, like people go for radical mastectomy or oophorectomy like that. Or there are some conservative strategies where they are put in advanced surveillance, you know, regular surveillance, rather than what they were doing every 6 months, do scans, go for regular checkups, and identify much before or in the early stages of cancer and treat much better. The second type of application is in those cases where there is no inherited mutation, but there is a mutation in that particular causing the tumor, like I mentioned, lung cancer, it could be colon cancer also. So when we take that block after the tumor has been identified, once we diagnose a person having a cancer, we get the biopsy done in early stage or whatever stage they are, and we detect those changes. We do a genetic testing where we take the tumor material, extract the DNA or RNA from that one, we sequence them, and we identify what mutation is there basically. And based on that, their treatment, what sort of treatment needs to be given? Is it a targeted treatment, or is it any other conventional treatment again, or is it going to be a composite treatment? Those things also change here a lot. Sometimes, depending upon the mutation, we can tell how bad the tumor will be, how bad the cancer will be. For example, Dr. Rahul was mentioning about AML. In AML cases and few other cancers also, if there is a mutation in a gene called P53, they don't really do well. And prognostication, we call that. And the prognostication will be very poor in those cases. So there are different applications, different ways you can understand how cancers behave, how you can prevent them, or early identification, or what kind of treatments can be given on that. So there is a new technology which is now last 1 or 2 years has been, in fact, several labs in India also do that. We call that as a liquid biopsy test, especially for solid tumors. So what happens is, previously, if you take about 40% of the lung cancer patients, for them, either they are so old that you can't do a biopsy for them on the lung, or biopsy ek bar ho chuka hai, phir relapse ho gaya tumor, so you can't do another time biopsy, so you don't get a biopsy material, mil nahi sakta. Okay. So for those individuals where biopsies you are unable to take or unable to get, or for those who already on biopsy has been done, you know very well there is a lung cancer, there is a mutation and you have started on targeted treatment, there are certain mutations called resistance mutations. These are resistance mutations come later part of the time, which cause resistance to the treatment. So how do you identify them without doing a biopsy or without doing a painful invasive biopsy? We call it as a liquid biopsy. Currently, it is an alternative to solid tumor biopsy, but it's playing a very critical role. What we do is just take the blood sample of the individual, of the patient who has a cancer. So what happens is, if there is a tumor, enough amount of tumor, those tumor cells release DNA into the bloodstream. That is a natural process that happens. We call apoptosis or a cell death. So when rapidly dividing cancer cells keep releasing the DNA, it gets into the bloodstream. And when you take the blood sample, you don't need to do a painful biopsy, invasive biopsy. You take the blood sample and you do the genetic testing. If you identify the same mutations at a higher load or a higher level than what was there before the treatment or the onset of the start of the treatment, you can, the inference is that the treatment is not progressing well, or the cancer is relapsing, or it's not going back to the normal stage, and you can change your management strategies accordingly.
and also you can monitor it on a serial intervals. So first time I do a blood test on this one, what we call liquid biopsy, and we identify that there is no mutation, no, so treatment is working well, you seem to be pretty okay. After 6 months or 1 year, you do again another time, and you identify the mutation is then coming back, which indirectly means that tumor is again growing back, so you need to put them on aggressive treatment. So these are the things which are changing the whole way how you are identifying and keeping the patients on active surveillance. Okay, very nicely explained, appreciated sir. Dr. Sarika, जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात होती है एचपीवी, खास तौर पर महिलाएं आपके पास आती होंगी और पूछती होंगी कि कौन सी स्टेज में लगवाया जाए, या आप क्या उसकी एक स्टेज है या एक स्टेज के बाद नहीं लगवा सकते, और अगर फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो एचपीवी क्यों ज़रूरी है ये बताएं। सर्विक्स कैंसर का है 90% सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं, ये अनुवांशिक नहीं होता ना। तो ये नहीं है कि अगर आपकी मदर को या किसी और को रहा है तो वो आपको होगा, आपको तभी हो सकता है या तो आपको किसी से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए महिला को और उसकी इम्यूनिटी वीक हो और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन को अंदर अपनी इम्यूनिटी से क्लियर ना कर पाए। तो ये जेनेटिक नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है, सर्विक्स कैंसर जेनेटिक नहीं है, और मतलब आपका ये हेरिडिटरी नहीं है, मैं ये कहूंगी कि आपकी मदर से या फिर किसी और को नहीं होगा। देखिए एचपीवी सभी को लगवाना चाहिए, और इसकी एज क्या है? एज के लिए मैं बताती हूँ कि बेस्ट एज 9 से लेके 12 साल है, छोटे बच्चे जिसमें लड़के और लड़कियां भी हैं, तो 9 से 12 साल में आजकल इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी इसे रिकमेंड करती है, पर ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री नहीं है, पर सभी लोग इसको अपने बच्चों को लगवा सकते हैं, लड़के या लड़कियों को 9 से 12 वर्ष, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं 9 से 12 साल? नहीं, कोई साइड इफेक्ट। लड़के और लड़कियां दोनों लगवाएं। हां, और फिर 13 साल से लेके 26 साल तक भी इसका अच्छा इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है, और तब तक क्योंकि 26 इयर्स तक मेजॉरिटी यहाँ पर इंडिया में सेक्सुअली इतनी एक्टिव नहीं होती है, तो ये बेस्ट टाइम है कि हम लगवाएं और इम्यूनिटी भी अच्छी डेवलप होती है। 26 से 45 वर्ष तक इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाती है, एक तो उससे इंजेक्शन से, दूसरा अगर एचपीवी का इन्फेक्शन है वो पहले हो चुका होता है, आप या तो 26 साल तक आपकी शादी मेजॉरिटी लोगों की हो चुकी होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो चुका होता है और उनको एचपीवी का इन्फेक्शन पहले हो चुका होता है तो उनमें वो कारगर नहीं है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें कारगर है। तो 26 वर्ष तक तो बहुत अच्छा काम करती है, 26 से 45 वर्ष तक आप ले सकते हैं, पर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, लगाने में कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, और सभी को ये, इसमें ऐसा नहीं आपकी मदर को नहीं हुआ है तो भी आपको लगवानी चाहिए, और बेस्ट ये है कि बच्चों को लगवाएं अपने, और अगर बच्चे नहीं है एडोलेसेंट है उनको लगवाएं, और उसके बाद 26 साल के बाद आप लगवा सकती हैं, पर टेस्ट करा के लगा सकती हैं, अगर एचपीवी इन्फेक्शन नहीं है तो भी आपको काम करेगा, पर इम्यूनिटी इतनी अच्छी बूस्ट नहीं होती जितना छोटे बच्चों में होती है। डॉक्टर अनूप, क्या प्रोस्टेट की जब हम बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की हम बात करते हैं, और थोड़ी सी नई एडवांसमेंट हम जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग तो डर के मारे आते ही नहीं है कि सर्जरी होगी, तो वहाँ मिनिमल इन्वेसिव जो आप बात करते हैं वो क्या टेक्निक है? प्रोस्टेट कैंसर को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर जब कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही रहता है, लोकली एडवांस जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के थोड़ा बाहर चला जाता है लेकिन फिर भी उसके आसपास ही रहता है, और लास्ट स्टेज होता है मेटास्टेटिक जब पूरे शरीर में फैल जाता है। जो रोबोटिक सर्जरी है वो लोकलाइज्ड और लोकली एडवांस दोनों में ही कारगर सिद्ध होती है, इसके द्वारा हम सूक्ष्म तरीके से सारा कैंसर निकाल देते हैं, जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं उसको भी हम बचाव कर सकते हैं, ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है, पेन बिल्कुल पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव नील होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें नहीं देना पड़ता है कैंसर, क्योंकि हमने इतने अच्छे से निकाला है। तो पहला होता है ऑन्कोलॉजी के लिए एफिकेसी, वो तो बहुत अच्छा हो गया। नंबर टू होता है फंक्शनल, जिसके वजह से लोग आते नहीं थे कि पेशाब लीक करता रहता था, पहले 15-20 सालों पहले ओपन सर्जरी होती थी, पेशेंट सर्जरी कराता था तो पेशाब निकलता ही रहता था। दूसरा होता था कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो नर्व्स हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो डैमेज हो जाती थी। अब रोबोट के द्वारा हम ना सिर्फ उसका पेशाब का जो क्षमता है उसको बचा सकते हैं, दूसरा उसको सेक्सुअल फंक्शन को भी बचा सकते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में हम कॉन्टिनेंस और सेक्सुअल इरेक्शन की हम बात करते हैं, दोनों ही हम उसको बचा सकते हैं। इसलिए आजकल इतनी एडवांसमेंट की वजह से पेशेंट
50 ईयर्स 55 ईयर्स के यंग, इनको हम यंग बोलते हैं क्योंकि 50 ईयर्स में भी दे आर सेक्सुअली एक्टिव, उनको हम पूरी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा हमारा पहला प्रिंसिपल है ऑन्कोलॉजिकली एफिकेसी, डेट मीन्स कैंसर शुड बी रिमूव एट नो कॉम्प्रोमाइज नंबर वन, एंड नंबर टू इज गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विच जो हम कर सकते हैं अच्छी उसको कॉन्टिनेंस दे के, अच्छा सेक्सुअल फंक्शन दे के. तो आजकल रोबोट के वजह से ये बड़ा ही सफल है क्योंकि इसमें हम MRI यूज़ करते हैं, एक सूक्ष्म तरह का MRI फिल्म देखकर हम बताते हैं कि किस तरफ हम नर्व्स को बचा सकते हैं, किस तरफ नहीं बचा सकते हैं. तो आजकल इस पूरा ट्रीटमेंट टेलर ट्रीटमेंट हो गया है, ये कोई एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है कि इस पेशेंट में हुआ तो इसमें भी होगा, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज अप्रोच और टेलर्ड अप्रोच. और आई थिंक यही एक विज्ञान की एक अच्छी देन है, जो दर्शक सुन रहे हैं वो देखें कि इसके माध्यम से हम हर एक पेशेंट का आउटकम बता सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा आउटकम आने वाला है. हाँ, यानी कि हाईली एक प्रिसीजन के साथ किया जाता है. डॉक्टर अनूप, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मान लीजिए किसी के फादर को ये प्रॉब्लम है, तो जो बेटा है मान लीजिए वो 40 ईयर्स का या 50 ईयर्स का है, तो क्या उसे एक अपना टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना आए? और वो टेस्ट कैसे होता है, कौन सी एज में होता है, ये बताएं. बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गीताशा जी, कि हमारे देश में प्रोस्टेट स्क्रीनिंग PSA स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये पिछले 10 साल के अंदर में ही आया है. जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है उनको 40 साल के बाद साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. एक सिंपल सा ब्लड सैंपल आपको देना है, सारे सरकारी अस्पतालों में फ्रीली अवेलेबल है, प्राइवेट में 200-300 रुपए में हो जाता है. साल में एक बार वो कराएं और एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो आपका फिंगर डाल के रेक्टम में हम चेक करते हैं कि जो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है उसमें कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं बन गया है. सो ये आप कह रहे हैं एनुअल चेकअप करा लें. ये एनुअल चेकअप 40 साल के बाद साल में एक बार कराना है. जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको 50 साल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, 50 साल में से के बाद साल में एक बार PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन साल में एक बार कराएंगे तो आपका कैंसर हम अर्ली फेज में डिटेक्ट कर लेंगे और फिर से आपका जो है ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह से क्योर कर सकता है. डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, पेन की हमने बात की, पैलेटिव मेडिसिन की हमने बात की, और जब बात होती है पैलेटिव मेडिसिन की तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है? आपने कहा कि साइकोलॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ता है, लेकिन एक जो चीज़ अहम है वो ये है कि जैसा कि डॉक्टर राहुल ने कहा था कि ये कोई श्राप नहीं है, ये ठीक हो सकता है. बीमारी तो हमें किसी को भी हो सकती है, बिल्कुल, बट फ्रॉम डायग्नोसिस टिल व्हाटएवर द आउटकम इज, आउटकम एक अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा भी हो सकता है. तो मेडिकल साइंस ने इतना ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर लिया और मॉडलिटीज इतनी बेटर हो गई है कि यार हर स्टेज पे हमें किसी भी मरीज के लिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ है. जहां तक हम अभी तक बात कर रहे थे इस पैनल के अंदर, हम सब लोग यही टारगेट कर रहे थे कि बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, बट वास्तविकता तो यही है कि कभी कभी पेशेंट देर से आता है, या जैसे अभी हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात कर रहे थे उसी से पता चलता है कि ट्यूमर बहुत एग्रेसिव है जी. सर्च करने के बाद भी दोबारा से कैंसर आ गया और फैल जाता है शरीर के अंदर जी. अब वहां पर हमारे पास मोडालिटी तो नहीं रहती कि सर्जरी करके ठीक करें, कुछ टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं, उसकी ऑप्शंस हमारे पास है, तो जो अभी नई तकनीकें हैं उससे हमें फायदा हो जाता है. लेकिन अगर ये सुविधा ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है और अगर हम कहते हैं कि उस कैंसर को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम एक पैलिएटिव केयर का जो नेक्स्ट फेज होता है उस पर जाते हैं. जी जी, आपने कहा कि ऐसी एंड स्टेज पे भी पेशेंट आते हैं जहाँ कह दिया जाता है कि अब आगे ठीक नहीं होगा, क्या पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो छोड़ जाते हैं हॉस्पिटल में उन्हें वैसे ही कई बार? या कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अभी अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अगर हम कुछ सालों की बात करें तो ऐसे मरीजों को यूजली किसी गांव में छोड़ दिया जाता था, या कमरे में मरीज तड़पता रहता था, उसको बंद कर दिया जाता था, वो दर्द से कराह रहा होता था, तो उसको केयर नहीं मिलती थी. मेरे ख्याल से लैक ऑफ अवेयरनेस था. अभी जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, ऑन्कोलॉजिस्ट आर अवेयर ऑफ इट, पेशेंट्स आर अवेयर ऑफ इट, सो नाउ वी हैव मोडालिटीज टू मेक देम कम्फर्टेबल. इसमें साथ साथ में अगर आप देखें कि कुछ हमारे पास एक संस्थान है जिनको हम हॉस्पाइस बोलते हैं, जिनके घर में सुविधा नहीं है कि कोई उनको देख रेख कर पाए, वो अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो हॉस्पाइस केयर की सुविधा भी काफी जगह है, जैसे हमारे सफदरजंग अस्पताल के साथ ही है, तो इस तरह की हॉस्पाइस सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जहां पर इन तरह के मरीजों को जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं है वहां पर देखा जा सकता है. हम हमेशा बात करते हैं कि अभी भी हम बात कर रहे थे गुड लाइफ, एवरीबॉडी वॉन्ट्स अ गुड लाइफ, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टॉक ऑफ समथिंग. आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस अ टर्म, गुड डेथ.
आपने देखा होगा कि जिनके परिवार के लोग जब गुजरते हैं, जब वो एंड ऑफ लाइफ केयर कैंसर की वजह से गुजर रहे होते हैं, वो तड़प रहे होते हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे आता है दैट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। पेशेंट तो गया लेकिन उसके फैमिली पे जो इम्पैक्ट आया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर उद्देश्य हमारा यही रहता है कि इस पैलेटिव मेडिसिन के माध्यम से जब तक पॉसिबल है गुड लाइफ दें, बट उनको एक प्रिपेयर करें गुड डेथ के लिए भी, सो दैट अ पेशेंट हु इज नॉट गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम कैंसर, वट एवर द लाइफ इज स्पेंड इज लेफ्ट, वी कैन गिव हिम कम्फर्ट केयर सो दैट ही कैन स्पेंड द लाइफ and the last phase of life is also comfortable, so that patient becomes very comfortable. And point here is the hospital is not the place for the last time, right? This is a very very basic issues and our oncologists are now getting acknowledged to it, that hota ye hai ki jab patient hame pata hai ki pure sharir mein cancer phail gaya hai, agar hum usko saans ki machine pe rakh bhi denge, outcome to hame pata hai na uska, पेशेंट तो उसमें सर्वाइव नहीं करने वाला क्योंकि कैंसर तो फैल चुका है, कोई मिरेकल तो हम ऐसा नहीं कर रहे, बिकॉज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैज ऑलरेडी सेड नो फर्दर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑलरेडी मेंशन्ड दैट सर्जरी इज सो एडवांस अ सर्जिकल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इज ऑलरेडी वन शॉट हैज बीन गिवन, इट कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन, सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी स्टार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एंड ऑफ लाइफ केयर। वी नीड टू अंडरस्टैंड अ पेशेंट विल बी मोर कंफर्टेबल विद फैमिली मेंबर्स एट एंड ऑफ लाइफ एट होम rather than an intensive care unit on ventilatory support on a life support system. So I think at some point of time as a oncology, when we are working like a multidisciplinary team, we need to understand that yes, this is the time when we should say that patient cannot be treated further. I'm not saying patient cannot be provide comfort care. I'm just saying patient cannot be cured further. And then we can start counseling them. At whatever the time is left, we will be supporting them, we'll be helping them, we'll be alleviating their symptoms, we'll be providing them family support, and then whatever the life, let it be on a very happy note, a very comfortable note. Death is not happy for anybody, but we can make it comfortable for the family members. So I think this is the journey of cancer where palliative medicine is getting integrated from a diagnosis till the outcome. This could be good outcome. We say, वो बोलते हैं हम कि cancer के अंदर अगर टाइम से आ जाए तो तकरीबन दो तिहाई पेशेंट क्योरेबल होते हैं। दो तिहाई तो हमारे पास एक बहुत माध्यम है, तो इसी जरिए मैं अपने दर्शकों को एक थोड़ा छोटा सा मैसेज जी बिल्कुल लेना चाहेंगे जी। ये मैसेज है कि कैंसर हमने बोला कि क्योरेबल है, बट कुछ कैंसर प्रिवेंटेबल भी हैं। जैसे अभी मैडम ने बताया कि HPV वैक्सीन प्रिवेंट कर सकता है, तो ऐसी जो चीज है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, जैसे आप बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू पीते हैं, इससे हमारे ओरल कैंसर्स बढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ दोज मोडालिटीज विच आर प्रिवेंटिव। सो हम क्योर की बात कर रहे हैं, पैलिएशन की बात कर रहे हैं, पर प्रिवेंटिव की बात करें, जिस चीजों से हमें पता है कि कैंसर होता है, क्यों ना आज हम उसको एक प्रण लें, एक अपने अंदर एक अवेयरनेस करें कि ना मैं सिगरेट पीऊंगा ना किसी को पीने दूंगा। आई थिंक दिस क्लैरिटी शुड कम अप एंड वी नो गेट अ गुड वैक्सीनेशन। HPV की बात किया, सिमिलरली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की हम बात कर सकते हैं, वो लगवाना चाहिए। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको च्यूइंग, हेल्दी हैबिट्स, राइट। एंड अदर एस्पेक्ट इज इट हैज बीन सीन दैट हमारा जो लाइफ है आजकल, इट्स अ लिटिल स्ट्रेसफुल। अभी हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात कर रहे थे ना, सो उस जेनेटिक प्रोफाइलिंग में इफ समबडी इज स्ट्रेसफुल, इट इफेक्ट्स द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। हमारी बॉडी के अंदर रोज कैंसर सेल्स बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है कि वो छोटे छोटे कैंसर सेल्स कहीं बन रहे हैं उसको वो निकाल देता है, तो हम सभी को कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो इम्यूनिटी कम हो जाए, और इम्यूनिटी कम क्यों हो रहा है, स्ट्रेस, आजकल का एक सोशल लाइफ, स्पेशली जो हम मेट्रोज में रहते हैं उनके लिए, हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, द न्यूट्रिशनल चेंजेस, द डाइटरी चेंजेस, वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, अनटाइमली फूड, वेट गेन, दीज आर इश्यूज विच आर प्रिवेंटेबल। सो हम कैंसर और प्रिसीजन मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ कैंसर को प्रिवेंट तो कर सकते हैं ना, तो उनको प्रिवेंट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीबॉडी। वेरी नाइस डॉक्टर गर्ग, व्हाट्स योर मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स डॉक्टर रामप्रसाद? ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स, स्पेशली वो द मोस्ट कॉमन कैंसर्स व्हिच आई टोल्ड एज ब्रेस्ट ओवेरियन और लंग और कोलोरेक्टल कैंसर्स, if you have any first degree relative who has an early onset cancer, please get them tested for genetic testing to see whether they have any mutations that can be acted upon, either to prevent in the next kith and kin
or to see whether better treatment options can be available. These are not, as Dr. Rahul mentioned, not very expensive. 5 years back, they used to cost about 1 lakh rupees. Today, we are talking about 10,000 rupees. We spend a lot on cancer treatment. So they are using these things wherever applicable. It need not be, again, on the other side, extreme, where you do for everybody genetic testing. Wherever applicable, we need to do it. A lot of options are there. डॉक्टर सारिका, अब हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए एक ऐसा मैसेज कि आपको अपने लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी सिचुएशन. हाँ जी, और स्पेशली महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि हमारे जो महिलाओं के कैंसर हैं उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उनकी अर्ली डायग्नोसिस भी की जा सकती है अगर हम अवेयर रहें. और जो हमारे गर्भाशय का कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसके सिम्टम तो बहुत ही मतलब विजिबल होते हैं. तो अगर महावारी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए. और पैप स्मियर और HPV टेस्टिंग ये प्रिवेंटेबल, मतलब अगर आप ये प्रिवेंशन के लिए कर सकती हैं, 21 वर्ष के बाद आपको हर महिला को पैप स्मियर कराना चाहिए हर तीन साल में. और अगर वो HPV टेस्टिंग है वो 30 वर्ष के बाद करानी चाहिए हर 5 साल में. और ब्रेस्ट के लिए 45 वर्ष और 50 वर्ष के बाद वो हर साल मैमोग्राफी करानी चाहिए. और अपने ब्रेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, उसका पैल्पेट करके अपनी बॉडी का और अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रख के और उसको डॉक्टर के पास सलाह लेने अवश्य जाना चाहिए कुछ भी परेशानी हो तो. हाँ, लेकिन जी, क्या पहले भी करा सकते जी हैं? अगर किसी की मदर को या नानी को या मौसी को या किसी भी रिलेटिव को जिसमें वो मेल भी हो जाए, अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या ओवरी के कैंसर की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले तो जिन लोगों को कैंसर होता है उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं. और अगर वो लोग नहीं है अभी या फिर आपके संपर्क में नहीं है तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं. और उसके बाद में अगर आपके अंदर भी वही म्यूटेशन आती है तो हम आपका टेस्ट बहुत जल्दी 35 वर्ष से ही शुरू कर सकते हैं. और बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स अगर आपकी फैमिली पूरी हो गई तो ओवरी निकालने की भी हम सलाह दे सकते हैं. तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको प्रिवेंट करने के लिए की जा सकती हैं. तो घबराएं ना, लेकिन जागरूक रहे. हाँ, जैसा आपने कहा. डॉक्टर अनूप, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? लास्ट में दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है कॉस्ट. हमारे 70% जो पॉपुलेशन है गाँव दूर दराज के इलाकों से आती है और कैंसर ट्रीटमेंट बड़ा महंगा माना जाता है. तो मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम जो लॉन्च किया था इसमें सारे कैंसर ट्रीटमेंट जो है इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूडिंग कैंसर थेरेपी, उसमें कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, सर्जरी, सब कुछ इंक्लूड है. तो सबसे पहली बात तो जब कोई भी किसी को पता लगे मेरे को कैंसर हो रहा है या मेरे को होने वाला है वो घबराए ना कि पैसे की वजह से मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा. एक अच्छे सरकारी अस्पताल में जाकर अपना डायग्नोसिस कराए. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि समय पर अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं. जैसे अभी डिस्कस किया गया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं सरकार के वहाँ पर आपको सब सुविधाएं मुफ्त में मिल जाती हैं. सफदरजंग अस्पताल है, एम्स है, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है. और अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते हैं तो आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा उठाइए और अपने एरिया में ही आप फ़ायदा ले लीजिए. और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा जो प्रिवेंशन की बात डॉक्टर अभी कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. हमारी मेडिसिन में कहा था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो अगर हम किसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये सारा खर्चा हम बचा सकते हैं और इस खर्चे को कहीं और लगा सकते हैं. तो मेरा हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से फिर से अनुरोध है, अच्छा खान पान में ध्यान लगाइए, शराब और तंबाकू से दूर रहिए, आधा घंटा एक्सरसाइज आज से प्रण कीजिए कि आपको आधा घंटा एक्सरसाइज रोज करनी है, पानी का मात्रा 2 से 3 लीटर लेना है, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और नॉन वेज फूड जो जंक प्रिजर्व फूड को अवॉइड करिए. अगर ये 4 चीज़ें ही आप अपना लेते हैं तो मेरे को लगता है कि कैंसर से बहुत हद तक बच पाएंगे. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा के लिए. थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. नमस्कार. तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम जहां हमने जाना कि कैंसर से लड़ाई संभव है, कैंसर से पार पाया जा सकता है, कैंसर क्यूरेबल है, ज़रूरत है आगे आने की, उसे समझने की. और टेस्टिंग के बारे में हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से जेनेटिक टेस्टिंग और एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो उसका लाभ उठाएं. फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.